हेलो फ्रेंड, आज हम बहुत ही टेस्टी बीटरूट का हलवा बनाने वाले हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें। आप बीटरूट के नाम से पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ये कैसा लगेगा, लेकिन आप इसे एक बार जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि हाँ ये आपको कैसा लगता है। बिना खाए आप इसे पहले से डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए एक बार जरूर ट्राई करें। इसके लिए बीटरूट को अच्छे से धो के छील के उसे ग्रेट कर ले। फिर एक पैन में 2 चम्मच तक घी ले, फिर उसमें कुटी इलायची या इलायची पाउडर डालें। इसमें इलायची जरूर से डालें। फिर उसमें ग्रेट किया हुआ बीट डालें, उसे 2 मिनट तक चलाएं। फिर इसमें आपको पहले 1 कप दूध डालना है, बाकी दूध आप बाद में डालें। इसे पकाने के लिए 1 कप दूध डाल के उसे 2 मिनट तक चला के फिर इसमें आप चीनी, खड़ी शक्कर, गुड़, जो भी आपको मीठा पसंद हो वो डालें टेस्ट के हिसाब से। फिर इसे 5 मिनट तक ढक के पका लें। फिर इसमें 2 कप दूध और डालें। आप चाहे तो मावा भी डाल सकते हैं, खोया, 2-3 चम्मच मलाई। फिर इसे आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। अभी इसके बाद आपको ढकना नहीं है, अच्छे से पकाना है। लास्ट काफ़ी देर तक भूनते हुए फिर इसे बाद में इसमें 2 चम्मच और घी डाल के अच्छे से भुने। ये अच्छे से हो चुके हैं। फिर इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करें। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका टेस्ट रॉयल टेस्ट आता है। फिर इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करें। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे। लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद डिसाइड करें कि हाँ बीटरूट का हलवा कैसा हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।